गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेंडर पढ़ रहे हैं। ये नाइन्थ क्लास का है ना? एक्सरसाइज नंबर आपको मालूम भी होगा क्योंकि आप लोग बनाए हैं। इसका एक्सरसाइज कितना? 15B है ना? था 15B। चलिए, तो इसमें बहुत आसान है। जैसे एक ये जो फाउंटेन पेन का ये जो है, इसमें इंक है फाउंटेन पेन में, तो ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट्स का मैं बता रहा हूँ, तो इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा? डायमीटर जो है 5 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मैंने बदल दिया है ना, 10 से भाग दे करके सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपको 10 से डिवाइड कर दिया, 2 से क्यों किया? क्योंकि ये डायमीटर 5 मिलीमीटर था। प्यारे बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया अर्थात 1/4 सेंटीमीटर हो गया, 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 से भाग कर दे करके किए थे, तो 1/4 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? यानी बच्चों, यह आपका रेडियस हो गया। अच्छा, हाइट आपको मालूम हो गया 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्या चीज है? ये जो है फाउंटेन पेन का या सिलेंड्रिकल पार्ट्स जिसमें जो इंक लगा है ना ये ग्रोल का कितना लगा? फुल ग्रोल मैंने πr², सिलेंड्रिकल है तो इसलिए πr², तो पाई का वैल्यू 22/7 आर, 1/4 × 7, इसको देख लीजिए 11 और नीचे 2 हो गया। अब याद रखिए, तो मल्टीपल कर देंगे तो 11/8 cm² हो गया। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 11/8 cm³। पहले बच्चों सेंटीमीटर क्यू स्पष्ट इसको समझिए, सेंटीमीटर क्यू इतना सेंटीमीटर क्यू अब समझ सकते हैं। तो अब इसको देखिए, उसमें कितना लीटर आता है? इतना लीटर जब आपका पास इंक है, इतना लीटर, तो 1/5 लीटर, तो 1/5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आप बदलिए, तो याद रखिएगा कि 1000 cm³ इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 1/5 है, तो 1000/5 कर दिए, डिवाइड कर दिए, 200 cm³ हो गया। 1/4 लीटर इक्वल टू कितना? 1000/5, मैंने 1 लीटर में 1000 cm³ होता है, 5 इक्वल टू 200 cm³। ये आपका क्या हो गया पहले बच्चों? ये आपका सिलेंडर का ये मैंने इतना इंक है, कितना? 200 cm³ इंक है। तो वह 11/8 cm³ है, इतना वर्ड कितना? इतना वर्ड रिटेन लिखा जाता है, रिटेन कर दे रहे, चलिए रिटेन है ना, इतना वर्ड क्या दिया जाता है, लिखा जाता है, कितना में? 11/1 cm³ में इतना लीटर लिखा जाता है, इसलिए कितना में? इसलिए आपका 200 लीटर में, कितना में? 200 cm³ में कितना लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? 200 cm³ है कितना? कितना वर्ड होगा? है तो क्या वन में क्या है? अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 330 वर्ड्स, वन में कितना हो जाएगा? उलट जाएगा ना, डिवाइड होना क्या मतलब 8/11 हो जाएगा, 200 से मल्टीपल कर दीजिए अर्थात कितना वर्ड लिखा जाएगा? 48,000 वर्ड लिखा जाएगा, 48,000। समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, रीड द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, पहले आप रीड द क्वेश्चन, पहले आप समझिएगा मैं क्या कहा, प्लीज रीड द क्वेश्चन, ठीक है?
हाँ, आपने पढ़ा प्यारे बच्चों कि 1/5 क्या चीज लीटर में कितना सेंटीमीटर, अरे लीटर में इसको 1/5 लीटर को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में बदला। तो याद रखिएगा कितना, 1 liter = 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/5 तो मतलब 1000/5 अर्थात 200 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है इफ है ना, इफ 11/8 सेंटीमीटर क्यूब हैज कितना, हैज कितना 330 वर्ड रिटेन लिखा जाता है ना। तो कितना में, 2/1 में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे इतना से, इसलिए 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 200 से मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल करने के बाद जो आपको आ गया है ना, मल्टीपल करने के बाद आपका जो आ गया कितना आ गया, कितना वर्ड आ गया मल्टीपल करने के बाद, मल्टीपल करने के बाद आपका 48,000 वर्ड्स हो गया। तो ये सब ध्यान देना है। अब 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों रीड, प्लीज रीड द 20 नंबर क्वेश्चन। कितना इजी कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, पहले समझिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है प्यारे बच्चों समझिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन, ये एक रेडियस ऑफ वायर, वायर जो है उसका रेडियस को कितना मिलीमीटर है प्यारे बच्चों, 1/20 मिलीमीटर रेडियस है। तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हाँ कितना से 10 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 cm = 10 mm होता है, इसलिए 10 से, तो 1/200 सेंटीमीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा कि उसका कितना है, उसका वॉल्यूम, अब समझिए वॉल्यूम 1 cm³ है। वॉल्यूम कितना है 1 cm, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ लीजिएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू, आप पढ़े थे ना प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इक्वल टू कितना, π r² h = 1 cm³। तो अब यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसके बाद थोड़ा सा अब आ जाइए जो हम आपको बताए हैं उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्या मैं बताया, दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, देखिए देखिए देख रहे हैं, स्पष्ट है ना, कितना है। तो पाई का वैल्यू कितना, 22/7, और आर 1/200 × 1/200 × हाइट एच माना गया। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, हाइट तो निकालना है, तो हाइट एच हम लोग ले लिए, इक्वल टू 1 cm³, 1 cm वॉल्यूम 1 cm³। अब समझिए, अब इसको क्या किया गया, एच इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, समझिए। तो एच इक्वल टू सब इधर चल गए, तो इधर जाएगा तो 200 एच इधर रहा लेफ्ट साइड, और ए राइट साइड जा रहा 200, तो ऊपर मल्टीपल 200 × 200 × 7 × 22, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए। वाई बिकॉज 1 meter है कितना, 100 cm, 1 meter है 100 cm होता है कि नहीं, इसलिए 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, डिवाइड करने के बाद आप इसको डिवाइड जब करेंगे तो आप मैंने अप्रोक्स में आंसर आता है, याद रखिएगा, डिवाइड जो हम लोग की है तो कोची में आएगा अप्रोक्स में आपका, इसको देखिएगा 20 से 20 एक कट जाएगा, और इसको मल्टीपल करके 22 से भाग दिया तो इतना इतना मीटर हो गया, एच इक्वल टू ए हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट, कौन क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है ना। अब एकरा में है, पहले समझिएगा, इसका वेट निकालना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक बर्तन था, देखिए ए, अच्छा इंटरनल रेडियस था 1.5 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस 1 है। अब समझिए प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंडर है इसका थिकनेस मैंने यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा तो इसका रेडियस, आउटर रेडियस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस रेडियस हो गया, मतलब दो रेडियस है ना प्यारे बच्चों। कौन कौन रेडियस, एक स्मॉल रेडियस कितना 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस चूंकि बुक में कह रहा है कितना, देखिएगा थिकनेस आपका बुक में कह रहा होगा, देखिएगा जो मैं फिगर बनाया प्यारे बच्चों, हो सकता है कि फिगर नहीं दिखाई दे है ना। अंदर का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर, तो 1.5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों आ जाइए उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ मैंने उसका खोल हो गया एक तरह से, उसका वॉल्यूम समझ गया ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे हम लोग निकालेंगे, उसका जो खोल हुआ तो वॉल्यूम ऑफ क्या कास्ट आयरन, जो आयरन बच गया बीच में खोल है, तो बड़ा का रेडियस निकाल के अंदर वाला का रेडियस, बड़ा का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाला का वॉल्यूम क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया, इसीलिए मैंने लिखा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है उसका जो इसका जो मैंने सिलेंड्रिकल जो उसका क्या जो इसका सिलेंडर का जो इसका जो बना है उसका आयरन का निकालने के लिए मैंने शॉर्ट में मैंने क्या कर दिया, इसका फार्मूला कौन फार्मूला में पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच है ना, याद रखिएगा। तो उसी पर तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर 2.5 स्क्वायर माइनस, दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है, और माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू 100, तो पाई 22/7 इंटू इतना के स्क्वायर 6.25 इंटू 2.25 इंटू 100, इसमें सेपरेट कर दिए तो 4 आ गया, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 100 इक्वल टू 8800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसको देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो मैंने कहा किया, अब इसको हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया इसको आया, इस समझ रहे ना, इतना में से घट गया था 4 आया, तो मल्टीपल कर दिया गया तो 8800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वेट निकालने के लिए कह रहा है, जो आयरन बना हुआ है उसका वेट निकालने के लिए कह रहा है, कैसे हम वेट निकालेंगे प्यारे बच्चों समझिएगा। तो वेट निकालने के लिए आपको बोल रहा था कि वेट जो उसका है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 21 है, समझ रहे हैं कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 21 सेंटीमीटर क्यूब 21 ग्राम है। पहले समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, माने 21 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट कितना ग्राम है 21 ग्राम है, तो 21 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, कितना से डिवाइड किया 1000 से डिवाइड किया, क्या चीज़ को ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 21 क्यों मल्टीपल किया गया इतना में, क्योंकि कह रहा है आपका बुक, प्लीज रीड द बुक, कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट
कितना है 21 ग्राम है, तो इतना का 21 से गुना कर दिए तो जो आएगा तो ग्राम आ गया, लेकिन 1000 से डिवाइड कर दिए तो किलोग्राम में आ गया। तो इसको डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीपल कर दिया गया वो, और 20 से 20 अर्थात 26.4 किलोग्राम, इतना किलोग्राम आपका हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप देखिए और बनाइए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। थैंक यू।